चलिए तो आज हम पढ़ाएंगे संविधान के भाग चार का शेष। नहीं, कुछ पढ़ा चुके हैं पिछला। मैं थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करवा दूं कि ये संविधान के भाग चार में है क्या। संविधान के भाग चार में नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अर्थात इस भाग में उस चीज का चर्चा है जो हमारे देश राज्य क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन वह चीज राज्य सरकार या केंद्र सरकार के इच्छा पर डिपेंड करता है कि उसको लागू करे, वो चीज वो काम करे या नहीं करे। लेकिन उसमें स्पष्ट किया गया है कि जब राज्य या केंद्र सरकार कोई भी नियम कानून बनाए या कार्य करे तो नीति निर्देशक तत्व में जो निर्देश है उस निर्देश को ध्यान में अवश्य रखे। इससे विकास में जहां सहायता मिलेगी वहीं पर उस राज देश की स्थिति मजबूत होगी। तो उसी में से हमने पढ़ाए थे पिछले क्लास में 36 से 51 जो अनुच्छेद है भाग चार का, उसमें से पढ़ाए थे हमने 41 तक। आज होगा अनुच्छेद 42। तो चलिए हम लोग पहले सुनाते हैं अनुच्छेद 42 में क्या है। संविधान के अनुच्छेद 42 में इस चीज का चर्चा है कि जो व्यक्ति किसी भी कारण से वह हार्ड काम या किसी भी तरह काम करने के स्थिति में नहीं है उससे वह काम जबरदस्ती नहीं करा। जैसे गर्भवती महिलाएं अर्थात जिसके गर्भ में बच्चे हैं उस महिला से हार्ड काम नहीं करवा। इस तरह का हिदायत, इस तरह का निर्देश अनुच्छेद कितने है 42 में। उसके बाद अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में स्पष्ट किया गया है कि मजदूर की जो मजदूरी होनी चाहिए, वेतन होना चाहिए, उतनी वेतन होना चाहिए, उतनी मजदूरी होनी चाहिए ताकि वे अपनी सारी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर दे। इतनी वेतन होनी चाहिए, साथ ही साथ भविष्य के लिए कुछ बचा के भी रख सके। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि वेतन भी होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। अर्थात वही इससे पिछले भी क्लास में हम चर्चा किए थे कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। अर्थात वेतन से आधारित जो भी अच्छे निर्देश है वह इसमें दिया गया है। 43 का क भी एगो है, मतलब उप अनुच्छेद भी है। क में कहा गया है कि कोई भी जो फैक्ट्री है, कारखाना है, उसमें उसका जो प्रबंधन होगा, प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजमेंट होगा उसमें वहां पर काम करने वाले व्यक्ति का भी भागीदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां की जो मैनेजमेंट होनी चाहिए उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। अर्थात हमसे पूछा जाना चाहिए कि यहाँ पर मैनेजमेंट इस तरह का हमने कर रहे हैं ये परफेक्ट होगा या नहीं, क्योंकि मेरे लिए मैनेजमेंट कर रहा है तो ये परफेक्ट होगा या कि नहीं होगा वो पूछा जाना चाहिए। इसमें चर्चा अलग से कर दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में यह निर्देश दिया गया है कि चाहे जिस धर्म के लोग हो लेकिन धर्म से संबंधित, विवाह से संबंधित जितने भी नियम होनी चाहिए वो एक समान होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म वाले हैं और सबके विवाह शादी का नियम कानून क्या है अलग अलग है। तो कह रहा है कि उसमें जो नियम होनी चाहिए ब्याह शादी के, जैसे तलाके का नियम होनी चाहिए, तो वह हिंदू का अलग और मुसलमान का अलग नहीं होना चाहिए, एक रंग होना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है मेरे भाई, हमारे देश में इस निर्देश का अनुपालन एक ही राज्य कर पाया है, वो है गोवा। गोवा में एक तरह के ही इस विवाह शादी के से संबंधित जो रूल है, नियम है, एक से है। अर्थात शादी विच्छेद की जो नियम होनी, विच्छेद मतलब शादी शादी जो भंग होती है, अर्थात मुस्लिम में जिसको तलाक हम कहते हैं, वो जो तलाक होती है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो सबके लिए एक समान कहां पर है,
अनुच्छेद पैतालीस में क्या निर्देश दिया गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा है देश का, उसके स्वास्थ्य का देखभाल की पूरी जिम्मेवारी सरकार को होनी चाहिए, ये निर्देश दिया गया है। अब कोई सरकार, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार, इसका अनुपालन करे न करे उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन निर्देश दिया गया है कि 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे जो भी हैं उसके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए। 86वां संशोधन 2002 में करके भारतीय संविधान के मूल अधिकार में शिक्षा पाने के अधिकार को जोड़ा गया है, जिसके तहत स्पष्ट किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी भारत के नागरिक हैं, जो भी भारत के बच्चे हैं, उसको निशुल्क शिक्षा भारत सरकार मुहैया कराएगी। 46 अनुच्छेद 46 इसमें कहा गया है कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जैसे SC ST OBC इत्यादि जो भी पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था किया जाना चाहिए, ये निर्देश दिया गया है। और आरक्षण की व्यवस्था करके यह कह रहा है कि समाज के जो समान वर्ग है उसके रैंक में इसको भी लाए, इससे समाज का सर्वांगीण विकास तेजी से होगा। अर्थात ये स्पष्ट है इसमें कि पिछड़ा हुआ वर्ग को आरक्षण देकर समान वर्ग जैसे लाए। अब अनुच्छेद कितना? 47 में यह निर्देश दिया गया है कि सरकार को जो भोजन इत्यादि जो बच्चे को जहां भी अवेलेबल करा रहे हैं, चाहे क्या कहते हैं वो मध्यान्ह भोजन हो या वृद्धा आश्रम, वहां पर जहां भी भोजन उपलब्ध करा रहे हैं तो बिल्कुल ही उसमें पोषा युक्त भोजन करना चाहिए, अर्थात सभी तत्व उसमें उपस्थित रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि देश के अंदर जो नशीला दवाइयां हैं या शराब इत्यादि है, उसके बिक्री पर भी आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, अगर नुकसान हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया अनुच्छेद 47 में यह निर्देश अंकित है कि भारत में सरकार जो है पोषायुक्त भोजन उपलब्ध कराएगा, आहार उपलब्ध कराएगा, साथ ही साथ नशीले दवाइयां और शराब इत्यादि के बिक्री इत्यादि को नियंत्रित करेंगे या फिर उस पर रोक भी लगा सकते हैं। बिहार अनुच्छेद 48 क्या है वो सुन लीजिए। अनुच्छेद 48 यह निर्देश दे रहा है कि दुधारू जो पशु है उसकी रक्षा करना चाहिए, दुधारू पशु की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। इसी के तहत अभी योगी सरकार, सुने होंगे कि बराबर गौ हत्या की बात करते हैं कि गौ हत्या को रोक देनी चाहिए, तो इसी के तहत अब हर जगह उतना बातचीत नहीं हो रही, वहां खूब हो रही है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि दुधारू पशु जो भी है वो बकरा की हत्या की बात को रोकने की बात नहीं कर सकता है, लेकिन गौ की, गाय तो दुधारू है, भले ही वो अलग से जोड़ के देख लेता है लोग अलग चीज है, लेकिन अगर इस अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद के अनुसार से हो जाता है दुधारू पशु जो भी है उसकी हत्या को रोका जाना चाहिए, उसकी संख्या को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 49 यह निर्देश दे रहा है सरकार को कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, जो भी महापुरुष के स्मारक है, उन स्मारकों की सुरक्षा करना, उसको सजाना इत्यादि उसका कर्तव्य बनता है। अब अनुच्छेद कितना में 50 नहीं, अनुच्छेद 50 में स्पष्ट किया गया है कि अगर देश राज चाहे तो न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों को अलग कर सकते हैं। सरकार के 3 अंग है, मालूम होगा सर, सरकार कितना 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो मैं बता दूं कि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कौन,
बहुत जगह कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तो कह रहा था कि दोनों को अलग कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, 51 लास्ट है, अनुच्छेद 51 संविधान के भाग का लास्ट अनुच्छेद है। इसमें यह निर्देश दिया गया है कि राज्य केंद्र सरकार को यह कर्तव्य बनता है कि देश के सॉरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रिय ढंग से संबंध बनाए और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय जो विवाद है उसको बातचीत के माध्यम से हल करे। इतना ही नहीं, दुनिया के दो देश अगर कहीं लड़ रहे हैं तो उसमें शांति प्रिय ढंग से मध्यस्थता भी करे। हो गया कि अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना एवं दो देशों के बीच जो कोई विवाद है तो उसमें शांति प्रिय ढंग से मध्यस्थता करने का यह निर्देश देता है कौन, अनुच्छेद 51। तो इस तरह से आपके संविधान के जो भाग चार था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। वैसे हम अगले क्लास में आपको संविधान के भाग 5 पढ़ाएंगे, लेकिन आज 5 पर कुछ झलक जरूर दी। क्या है संविधान के भाग 5? तो संविधान के भाग 5 में संघ पढ़ना है और इसका चर्चा अनुच्छेद 52 से 151 तक, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन उससे पहले संघ। वैसे हमने जब शुरू किए थे आपको तो संघ का परिभाषा दिए थे और हमने बताए थे कि एक फेडरेशन होता है, एक यूनियन होता है, बताए थे परिसंघ होता है, संघ होता है। और उस टाइम हमने बताए थे कि संघ होता है राजों का वैसा समूह जो अलग नहीं हो सकता, परिसंघ में हमने बताया थे अलग हो सकता है। तो आज आ गया वही संघ की बात। पहले हम संघ को बता देते हैं, उस किससे थोड़ा सा अलग हट के बता देते हैं कि संघ क्या होता है। संघ सरकार का एक रूप होता है, शासन का एक रूप होता है। कैसा? जिस रूप में पूरे देश जो होते हैं वह एक सरकार से नहीं चलती है बल्कि कई सरकार से चलती है। सबसे पहले पूरा देश कई सरकार से चलती है, कई स्तर के सरकार से चलती है और शासन की सरकार की जो ताकत होती है वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार में बटा हुआ। उसी सरकार या शासन का एक रूप होता है और जिस रूप में संपूर्ण देश की शासन एक स्तर के सरकार से नहीं होती बल्कि कई स्तर की सरकार होती है और इसमें जो सरकार की जो ताकत होती है वह ताकत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बटा हुआ रहता है। क्योंकि कई स्तर के सरकार मतलब हो गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। जैसे अभी अपने देश में क्या है, भारत क्या है, संघीय सरकार है, मतलब भारत में संघीय शासन है। यहाँ पर कई स्तर की सरकार है, एक देखिए केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, मुखिया, सरपंच इत्यादि, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें देख लीजिए कि शासन की जो शक्ति होती है वो किसी एक में निहित नहीं है, सब में बटा हुआ है। उसी शासन के स्वरूप को क्या कहा जाता है, संघीय शासन कहा जाता है या उसी को कहा जाता है संघ। क्लियर हो गया? आज हम इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसका